तो चुनावी माहौल में जन जन की समस्याओं को जानने के लिए अब आज हम लोहार बस्ती में आ गए हैं। यहाँ पर एक बाबूजी है जो काम कर रहे हैं और इनसे इनकी पीड़ा को जानने की कोशिश करते हैं। बाबूजी राम राम। कहे रे सुन चेला तेरा जन्म सफल जद वेला। अरे चेला ओ ओ किसा गेला? ये कोई गेला नहीं है, गेला चारों मेर फुल वेड़ा बार। अरे चुनाव के माये टेम्पो जाम लगा रिया है और हाका दड़बड़ मचोरी है कि हमारे को देव हमारे को देव बकेरे देवा। हम आए हैं आज लोहार बस्ती में आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। आपकी ऐसी समस्या बताओ जो नेताजी मान सके वाने दूर कर सके। वो 60 साल में पहली बार कोई आदमी आयो माने पोज माने के कई हाल है। बाकी 60 साल हो तो मैं वोट दे रहा बकरी दोबड़ी मैं दोबड़ो। अरे हूं यहाँ का करता फिर बहुत विकास कराया बहुत विकास कराया। वोट दे रहा नेताजी कह रहे मैं थाने नोट दे रहा। नोट तो देवे जिन देवे पर माँ के विकास कितरो कराए जो को मेरे ओ थारे कैमरो घुमा बस्ती में पतो पड़ जाए मकाना कई हालत है पानी कितनी कितना दिनों आ रही है सड़कों कई हाल है ए टावरिया दे कोई कोई स्कूल में फटबा के काबिल ने भी एक बार बता मैंने के माँ का समाज को गाड़ो थे लोहार को किसो बच्चों डॉक्टर बनियो। वो तो थे बताओ नहीं थे पढ़ाया जी मैं थोड़ी पढ़ाया। मैं तो घना ही पढ़ाया अपन पाँचवीं सातवीं आठवीं आगे नहीं बढ़िया और गाड़ो तो लोहार का बच्चा के तो फौज में मरबा के लिए और कह टा घड़ाई करबा के लिए गुरु। अच्छा थे कदरी पढ़े डाओ? मैं तो 3-4 बार पढ़ी उड़ू एक बार तो मैं घर में पढ़ गयो। अच्छा। एक बार मैं मोटर में चढ़ती टाइम का पढ़ गयो तो मैं तो 4 बार पढ़ी उड़ू 5 बार पढ़ी उड़ू कि कहीं पटबा की पहुंच रही हो पटबा की पहुंच रही हो। अब पटबा से तो बोल दियो मैं समझ गया था खतरा पटेड़ा हो। ओह नो। मैं स्कूल में गियो 2 बार। एक बार तो हमारे पिताजी ले जा भर्ती करायो और इतना उत्पाद मचायो इतना उत्पाद मचायो जो स्कूल वाला हमारे घर छोड़ गया कि ओ माकम ने हमड़े। अच्छा अब ये बात बताओ तो नेताजी आ रहा है नहीं आ रहा है था कहते नेताजी 5 साल में एक बार आवे जरूर आवे और आधी रात का ही आवे और वोट लेना देखो क्यों नहीं आए तो आवे जी टाइम गए माने कहे गए आप तो माने जिताओ देखो विकास कर दे वहाँ बिल्डिंग बना दे वहाँ ए झोपड़िया माँ का पिताजी छपरा लगाया आज एक हाँ ओ छपरो मारा पिताजी का हाथ को लगे जद को इमें कई चेंजिंग आई उठे कोई RCC थोड़ी दी उड़ी है तो नेताजी से मांग करो ना। मांग करा देखो मैं तो माता हाथ फेर के काय को चिंता करते हो मेरे को जिताओ तो सही जीतने के बाद में अरे मकान और बिल्डिंग बाद एक बटे खिड़कियाँ लगी है पूरा ब्यावर में बिल्डिंग बन गई मतलब थाकेट है बिल्डिंग ना बनी वो समस्या है। बिल्डिंग तो बस शांति टावर और किशा टावर इंडिया टावर ए 4-4, 5-5 मंजिल का 300-300 दुकाना का टावर बन गया। माँ कहते कोई छोटी मोटी झोपड़ी बनावा नीवा खोदा जो कोई जमादार आर कहते मोबाइल टावर लगवा था। मोबाइल टावर तो मैं ही परेशान भी होड़ो हूँ और अब लुगाया ही और ज्यादा हो गई कोई लुगाया ने फोन दे दी को वही नाच बहुने डब्बे रीला बनावे दिन भर मेरा पिया घर आया हो राम जी आप पता कौन है पिया खुद पी रहा है। अच्छा हो राम जी से याद आयो अब थाने नेताजी से कई काम सी माने तो काम वही है भाई माँ गरीबा के उड़ाई करे गाड़ो त्यो लुवार तो ऐसी सोगर खाई महाराणा प्रताप की टाइम पत्रकार बंधु कहीं जेस का आयो हाँ जेस के ऐसा महाराणा प्रताप को राजपाट खत्म भी और महाराणा प्रताप की ओपरो जंगल में जेण माँ का गाड़ी रोते लुवार एक कसम खाई के चित्तौड़ आजाद नहीं वे जितने मैं महाराणा प्रताप रह वे जटे मैं रे वहाँ जगो माँ को नाम पढ़ियो गाड़ू ते लुवार एक गाड़ी के माँ ने पूरा जीवन ने बितायो टाबर टूबर ब्याह शादी सब बटे करिया माँ के कोई होना ही करबाड़ो कौन है तो थाको जो वो जीवन बितायो थे नेताजी थाने क्यान क्यान सतायो वो भी बताओ। 8 बार वोट ले गया यार पत्रकार दी कोई 7 बार वोट ले गया ये कर देंगे वो कर देंगे जीतिया बाद में 5-4 देखिए कौन है। अच्छा थे हॉस्पिटल वॉस्पिटल की कई व्यवस्था आती नहीं कहीं जाओ तो सबने अच्छी से मतलब सुविधा मिले सेहत की। हॉस्पिटल में जाते तो वो टोली खेत बड़ो धक्का देवे कहते 12 भी डॉक्टर नहीं है आँखिया वालों डॉक्टर दांत वाला में बैठ जाए दांत वालों डॉक्टर हड्डी वाला में बैठ जाए और डॉक्टर तो कमरा में मिले ही को नहीं क्योंकि वे देखे सपाखाना में देख लिया तो घर कौन आई
अच्छा, अब सड़का लाइटा की बिजली की यहाँ की कई बार हालात था कट? सड़का की तो हालत अभी देख ले, कॉलेज रोड पर है, ये बाल मंदिर के सामने कोई अब कोई कारी लगी है, बाकी गाड़ी 1 लाख की है पर झटका तो खाना ही पड़े मुझे, करोड़पति वो और चाहे रोडपति वो। अरे बिजली फ्री की बात अभी चल रही, नेताजी कह रहे हैं बिजली फ्री में एक कांटो गाल में लिया क्या भाई, 100 यूनिट इंटरव्यू चल रही है, इंटरव्यू तो आप भी सुन रही है, सुनवा दो ना भाई, सुन रही है तो समझाई बकरी, आज खुद 3री क्लास पास हुई होड़ी, इन्हें खड़ो कर दो चुनाव में। हाँ तो हमेशा खड़ी रहे, हाँ तो रात के टाइम बैठे आपकी चौकट, हाँ आगे दिन भर खड़ी रहे और चारों खावे, अरे ई की डबल रफ्तार है, आप एक टाइम में खाना खा ला पर आप पहले चारों डबल टाइम खावे, पहले दमादम पेट भर ले और बाद में पाँचों रिटर्न करे और फिर धीरे धीरे बैठे बैठे मतलब जो भी खड़े रहे वो खावे ही खावे। अब खड़े है चुनाव में खड़ा हुआ है तो खावा के लिए खड़ा भी है, गाँव का लोग बाग बैठा है, एक छोटा मोटो सरपंच आवे जी टाइम का हाव मड़क लो, अरे काका जी, अरे भाई जी, अरे बाप जी, अरे थाको बेटू, अरे थाको भतीजो, अरे सरपंच मड़िया बाद में 1 साल में इसकारी पे बैठे आगे आगे प्लेट लगावे सरपंच फलाना गांव का, अरे पिया लायो कटू इतरा, मैं बताऊं पिया कटू लायो, एक पंचायत में 1 साल में 1 करोड़ रुपया को बजट दे सरकार, क्या भाई 1 करोड़ रुपया तो खर्च कर सके, 5 साल में भी 5 करोड़, और वो 5 करोड़ खत्म करते तो सड़क सोना की बन जाती, गलत कह रही हो तो तुम मारा बता सके, गुरुदेव कहे सुन चेला और तेरा जन्म सफल जत वेला। तो सही बात कही है सा, ये भले ही हो नादान लेकिन इनकी समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, अगर करने हैं आपको हर समस्या का निदान तो करना होगा मतदान, इसलिए मतदान जरूर करें और आपकी हर समस्या के समाधान के लिए अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जिसे भी चुने आप फैसला कीजिए जो आपका विकास कर सके, हमारे शहर का विकास कर सके, हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं मानकर उनका समाधान कर सके, तो जरूर करें मतदान। 25 नवंबर को है चुनाव, तो आप भी मतदान करने अवश्य जाएं और सभी को भी मतदान करवाएं।